गुड मॉर्निंग फ्रॉम दवाई खोला। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है श्रेया चैटर्जी एंड यू आर वॉचिंग श्रेया चैटर्जी व्लॉग्स। कल मैं वेस्ट बंगाल टूरिज्म के बाताबाड़ी प्रॉपर्टी में थी और वहाँ से मैं दवाई खोला आ गई हूँ ये डोम एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये जो जर्नी है, ये जर्नी मैंने कैसे कवर किया। अभी हम लोग है खुनिया मोड़ में। यहाँ से हम लोग इस तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा झालोंग बिंदु और सीधे जाएंगे तो अलीपुर द्वार एंड राइट साइड जाएंगे तो मूर्ति लाटागुरी। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, बताइए ये क्या है? ये प्रोसेस्ड रबर है। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। जैसे है ना, वो सब कुछ बनता है। मुझे बहुत मन था कि एक रबर फैक्ट्री में आऊँ और देखूँ कि प्रोसेस होने के बाद वो कैसा बन रहा है। लास्ट टाइम जब मैं डुअर्स आई थी, इसी जगह से हम लोग क्रॉस किए थे और ये देखे थे, तब ये बंद था। लकीली आज खुला है तो आज हमें देखने का मौका मिला और थोड़ा सा जानने का भी मौका मिला कि कैसे ये रबर बनते हैं। मैं अभी जिस जगह पे खड़ी हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। कॉफ़ी प्लांटेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो सक्सेसफुली कॉफ़ी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उगा पा रहे हैं इस एरिया में। लास्ट टाइम जब मैं डुअर्स आई थी तब मैं आप लोगों को कॉफ़ी दिखाई थी, किस तरीके से प्लांट में छोटे छोटे कॉफ़ी के कच्चे दाने थे जिसको रोस्ट करके कॉफ़ी बनता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 एकड़ का एक प्रपोज नर्सरी लैंड भी है सिर्फ कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। एक्चुअली ये इनिशिएटिव मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेस्ट बंगाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है सक्सेसफुली और ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन होगा वेस्ट बंगाल में। मैं अभी हूँ गोइरीबास के व्यू पॉइंट पे। नीचे बह रहा है जलढाका रिवर। लास्ट टाइम जब मॉनसून में आई थी ये रिवर इतना फ्लरिश कर रहा था, ऐसे बह रहा था, यहाँ से खड़ा होके मुझे रिवर का साउंड आ रहा था। आज इस रिवर को देख के मन थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन नेचर का करिश्मा वही है। कल जब बारिश होगा ये नेचर तब फिर से अपने फुल फॉर्म में बहती चली जाएगी। सामने जो पहाड़ हम लोग देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो पहाड़ है वो एरिया भूटान है, भूटान के पहाड़ है। फिर से पुराने यादें ताज़ा हो रहे हैं और कुछ मेमोरीज मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ।
तो बताइए कैसा लगा मेरा जर्नी। मैं तो खूब सारा इन्जॉय करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। और जब भी मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखती थी, इतने सारे डोम के रील्स रहते थे, इतने सारे डोम के शॉर्ट्स रहते थे, मेरा ना एक ड्रीम बन गया था कि मुझे भी ऐसा रील बनाना है। तो फाइनली मैंने अपना ड्रीम फुलफिल कर लिया हूँ। अगर वो रील आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाइए और वो रील देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए, इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी का मैं आपको एक क्विक रूम टूर करवाती हूँ, सॉरी डोम टूर करवाती हूँ। How do you find this place? This place is amazing. मस्त है ना? Just one word, amazing. लेकिन selection मेरा ही था. Obviously. Actually. This place तो तुम ही select करते हो. ये place का choice मेरा था. मेरा बहुत time से long time pending था यहाँ पे आना. लेकिन मैं आप लोगों को suggest करूँगी, आप लोग monsoon में आइए. थोड़ा off roading है. एक दो किलोमीटर कंप्लीट ऑफ रोडिंग रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेरो लेके आइए, 4x4 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग घूम रहे हैं तो बुलेरो एक ले लीजिए, बुलेरो बस है इस रोड के लिए, मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए हेवन है ये जगह। इनफैक्ट ऑफ रोडिंग बोलना बहुत सिंपल हो जाएगा, एक्चुअली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग था ये। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, ओनली 4x4 इज सजेस्टेड ऑन दिस रोड्स। But Bolero is okay, क्योंकि rear wheel drive है ना, Bolero fine. वो manageable है. Manageable है. हम तो Bolero में ही आए हैं. नहीं problem नहीं हुआ, आप ज़्यादा stress मत लीजिए, Bolero में आ जाइए, मस्त रहेगा। कल रात को जब हम बॉनफायर के सामने बैठे थे, डिनर किए थे, सामने भूटान का पहाड़, उसके ऊपर लाइट्स चल रहे थे, छोटे छोटे सेटलमेंट्स जिनके घर से लाइट जल रहा था, सामने उनका स्टेप फार्मिंग, और वो जो कूल विंड था और जो रिवर का साउंड था, एवरीथिंग पिक्चर परफेक्ट बोल सकते हैं। पिक्चर परफेक्ट, ये परफेक्ट स्पॉट है रील्स और शॉर्ट्स के लिए, ड्रीम प्लेस है एकदम। ये डोम स्टे में बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा, बहुत अच्छा सर्विस है इनका, बहुत ब्यूटीफुल सर्विस है। हर चीज हमें लाके दिया गया है। हो सकता है सीजन में आपको ये सर्विस ना मिले, क्योंकि सीजन में रश बहुत रहता है, लेकिन अभी हम जब आए थे अभी रश नहीं था। तो जितना अच्छा सर्विस ये लोग हमें दे सकते हैं, उतना अच्छा सर्विस हमें मिला है यहाँ पे। लंच परफेक्ट था, बहुत ही अच्छी तरीके से लंच को सर्व किया गया है, और खाना भी बहुत टेस्टी था। डिनर भी बहुत अच्छा था, डिनर हमें बॉनफायर के सामने यहाँ पे सर्व किया गया है। मैं यहाँ का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको आना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है मॉनसून में या आफ्टर मॉनसून एक बार आइए, और ऑसम रहेगा ये जगह। मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट मुझे वहीं पे जाके करना था। यहाँ से चल के जाना ही ना एक एक्सपीरियंस है।
देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स, उसके भी छोटा सा एक रोड बना हुआ है। तो आज ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पूरी और छोले की सब्जी, काबुली चना एक्चुअली, और डाले। मैं भी एक डाले खाऊंगी। ब्रेकफास्ट के बाद एक छोटा सा एडवेंचर कर लिया मैंने। मुझे बहुत सालों से मन था गाड़ी के रूफ के ऊपर बैठ के मैं थोड़ा सा ट्रैवल करूं, वो मैंने कर लिया। ओह ऑसम था, ऑसम। अभी हम जा रहे हैं राइट साइड में है तोबे बाजार। ना तोदे बाजार नहीं जा रहे हैं, तोदे बाजार जस्ट क्रॉस करके हम लोग अभी जा रहे हैं यंगमा वैरायटी। यंगमा वैरायटी में मेरी दोस्त है प्रिया, लास्ट टाइम जब मैं डुअर्स में आई थी यंगमा वैरायटी में कॉफ़ी बनाई थी मैंने, वो वीडियो मैं लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप लोग देखिए तब आपको समझ में आएगा और मज़ा आ गया था वहाँ पे। इसीलिए कल एक्चुअली जाने वाली थी, कल पॉसिबल नहीं हुआ था, बहुत टायर्ड थी, तो इसीलिए आज जा रहे हैं अभी यंगमा वैरायटी और कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे वहाँ पे, थोड़ा गप्पे शप्पे होगा, उसके बाद हम लोग फिर और एक नए जगह पे जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट यंगमा वैरायटी चलते हैं। अब मैं अभी पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल रोड तोदे बाज़ार क्रॉस करने के बाद ना रोड थोड़ा सा बेटर है, उससे पहले तो कंप्लीट बोल्डर वाला रोड है। 4x4 जाएगा आपका या तो रेयर व्हील ड्राइव बोलेरो चाहिए आपको। मैं अभी हूँ यंगमा वैरायटी के सामने। एक्चुअली मन अच्छा नहीं है, मैंने प्रिया को कॉल किया और पता चला उनके गांव में किसी के डेथ होने के वजह से आज कैफ़े बंद है। अभी लग रहा है कल शायद आ जाती तो अच्छा रहता, मतलब इतना टाइम निकाल के आते हैं, जिनसे पहले मिले हैं उनसे एक बार मिलना है, जिनसे दोस्ती हुआ है, ऐसा बहुत बार होता है हम कहीं पे जाते हैं किसी से दोस्ती होता है फिर भूल जाते हैं, लेकिन मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ, मुझे सही में मिलना था लेकिन ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी तो इसका भी भरपाई हो जाएगा।
नदी बहती रहती है एक जगह से दूसरे जगह तक। नदी का कुछ घर नहीं होता है, नदी बहती रहती है। एक देश की खबर दूसरे देश तक नदी लेके जाती है, नदी बहती रहती है। मैं अभी हूँ रोंगो में, रोंगो रिवर के सामने। वाहो, इतना करीब से नीचे आके जो मज़ा आ रहा है वो मैं जुबा से बयां नहीं कर सकती हूँ। अभी थोड़े देर पहले स्किड होके मैं रिवर में गिरी थी, लेकिन जो एनर्जी है यहाँ पे वो लगना मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं फिर से उठ के खड़ी हो गई हूँ और 10-15 मिनट से यहाँ पे घूम रही हूँ। मैं यहाँ पे जो होमस्टे में रुकी हूँ उसका नाम है रोंगो रिवर वैली होमस्टे। मैं थोड़े ही देर में ये होमस्टे का एक प्रॉपर्टी टूर आप लोगों को दूंगी। गुड मॉर्निंग, सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ और चेकआउट करके NGP जाऊँगी। NGP से कल सुबह 4:30 को मेरा ट्रेन है। यहाँ पे स्टे अच्छा था। मेरे पीछे आप रोंगो रिवर देख पा रहे हैं, रोंगो खोला बोलते हैं ये लोग, खोला मतलब रिवर। मैं पहले भी कुछ पॉइंट्स को लेके बात कर चुकी हूँ, अभी कुछ पॉइंट्स है मेरे पास बात करने के लिए। एक्चुअली कल मैं देख रही थी यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो लोग प्रॉपर शैम्पू वैम्पू लगा के यहाँ पे नहा रहे हैं। उसके बाद देखा कि कुछ लोकल लोग हैं, वो लोग भी शैम्पू सोप सब लगा के नहा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये उतना सही नहीं लगा। मतलब रिवर के पानी में नहाना एक्चुअली एक मस्त चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सबके घर में बाथरूम है, हमारे रूम में भी अटैच्ड बाथरूम है, तो अगर हम बस ऐसे ही नहा के जाएंगे ना वो शायद बेटर होगा, क्योंकि शैम्पू और सोप्स ये हमारे स्किन के लिए ही हार्मफुल है, हार्श केमिकल रहता है इन सब में। तो ये पानी को पल्यूट करना कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा है। हम सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो लोग होमस्टे के ओनर से या जो लोकल लोग हैं उन वही ये चीज़ें करेंगे तो टूरिस्ट तो करेंगे ही आके। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत दिखने वाले डस्टबिन रखे हुए हैं, फिर भी जिसको जो मन कर रहे बाहर ऐसा ऊपर से फेंक दे रहे हैं। सिटी को तो हम लोग ख़राब कर ही चुके हैं और बहुत जल्दी लग रहा है कि पहाड़ और फॉरेस्ट भी जाने वाला है। ओवर टूरिज्म कर रहे हैं और बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेके हम बात ही नहीं करते। शायद आपकी और मेरे घर वाले भी कभी किए होंगे, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाना बताना कि कचरा कूड़ा मत फेंकिए, एटलीस्ट पहाड़ या फॉरेस्ट में आके उसको क्लीन रखिए। राजा आज नहीं आ पाया है क्योंकि उसका हेल्थ थोड़ा ख़राब था, तो उसने किसी को भेज दिया है, वो आके बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हमें निकलना है। इस जगह का नाम है रोंगो वैली रिवर स्टे। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी होम स्टे का, आप लोग कॉल करके आ जाइए। रूम टूर मैं नहीं दिया हूँ, मुझे लगता है आप जब बुक करेंगे आप उनको बोलिए कि आपको व्हाट्सअप कर दे जो रूम आपको वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं और जो प्रॉपर्टी है उसके फ़ोटोज़ आपको व्हाट्सअप कर देंगे। मैं ऐसे ही चीज़ें बुक करती हूँ। और ये पूरा ट्रिप में मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ ये सारे जगह बागडोगरा एयरपोर्ट और NGP से वेल कनेक्टेड है। आप वहाँ से गाड़ी लेके डायरेक्ट ये सारे जगह जा सकते हैं। गाड़ी का प्राइस सीज़न वाइज चेंज होता है, तो इसीलिए मैं कुछ प्राइस मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप जब आएंगे या तो होम स्टे ओनर से बात कर लीजिए, या तो आपका पहचान का कोई ड्राइवर है तो उनसे आप बात कर लीजिए, या तो मैं राजा का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगी, आप लोग राजा को कॉल करके आ जाइए। राजा के पास 5-6 गाड़ी है, तो किसी भी सेगमेंट का गाड़ी आपको चाहिए राजा अरेंज कर देगा।
मुझे लगता है राजा एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि राजा का बेस्ट पार्ट है बहुत रेस्पॉन्सिबल है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो चलिए, यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड। ठीक है बकुल, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है ना? You and I, we were meant to be. I feel it in my soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Love renew, yeah, we've made it, we've always been.